नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। कानपुर वाला विकास दुबे तो मारा गया, लेकिन उसके पकड़े गए साथियों ने ऐसे खुलासे करने शुरू किए हैं कि आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। शशिकांत नाम के उसके रिश्तेदार और करीबी ने पुलिस की पूछताछ में वो खुलासे किए हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं। शशिकांत वही आरोपी है जिसे पुलिस ने पकड़ा तो उसके पास से पुलिस की लूटी गई AK-47 और इंसास राइफल बरामद हुई। ये विकास दुबे का करीबी रिश्तेदार है और घर के ठीक सामने रहता है। उसने बताया कि विकास दुबे घटना वाली रात एकदम पागल हो गया था। उसने लोगों को धमकी दी थी कि अगर उसके कहने पर गोली नहीं चलाई गई तो वो उन लोगों को ही गोली मार देगा, यानी अपने साथियों को जबरन गोली चलाने के लिए मजबूर किया था, जिसमें 8 पुलिस वालों की जान गई थी। शशिकांत ने पूछताछ में बताया है कि विकास दुबे ने घटना वाली रात उन लोगों से जबरन कहा था कि अपने हथियारों से तब तक गोली चलाते रहिए जब तक कि सारे पुलिस वाले न मारे जाए, और अगर कोई पुलिस वाला बचता है तो वो उन लोगों को उल्टा गोली मार देगा। लिहाजा कई लोगों ने डर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। शशिकांत विकास दुबे का करीबी रिश्तेदार है और घटना वाली सुबह उसके पिता को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। उसके बाद से शशिकांत लगातार फरार चल रहा था। विकास दुबे को जब उज्जैन से लाया जा रहा था कानपुर, तो रास्ते में उसने बताया कि लूटी गई बंदूक शशिकांत ने छुपाई है, जिसे बाद में कानपुर के विकास दुबे के घर में ही एक भूसे के ढेर में बरामद किया गया। शशिकांत ने यह भी बताया कि घटना की रात विकास दुबे इतना वहशी हो गया था कि मर चुके पुलिस वालों पर भी गोलियां चलाई, साथ ही साथ सबको एक जगह इकट्ठा कर उन पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की भी योजना थी, लेकिन वक्त कम बचा था और लोग फरार हो रहे थे, लिहाजा विकास भी भाग गया, इसलिए आग लगने से पुलिस वाले बच गए। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने कई खुलासे किए गए हैं। मसलन विकास दुबे ने इसकी योजना बहुत पहले से बना ली थी, सीओ से उसकी व्यक्तिगत खुनस थी, लिहाजा उसको तड़पा तड़पा कर विकास मारना चाहता था। इसके अलावा पुलिस की तरफ से जो सूचना आई थी उसके मुताबिक विकास दुबे को एनकाउंटर के लिए पुलिस की टीम आ रही थी, लिहाजा उसने ये तय किया कि इससे पहले कि पुलिस कोई एक्शन ले वो पुलिस का ही पूरा खात्मा कर देगा। अब पूरा गांव भले ही बता रहा हो कि उन्हें घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन एक एक करके ऑडियो रिकॉर्डिंग और फोन कॉल डिटेल्स ऐसी सामने आ रही हैं जिससे पता चलता है कि शशिकांत की पत्नी समेत इलाके के कई लोगों को घटना के बाद तमाम चीजें पता थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को फोन करके बाकायदा एक एक चीज भी बताई, लेकिन पुलिस की पूछताछ में मुकर गए। अब ये रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद शशिकांत की पत्नी मनु और दूसरे लोग भी पुलिस की जांच के दायरे में हैं। पुलिस को शक ये भी है कि घटना की रात कुछ गांव वालों ने पूरे वाक्य की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी अपने मोबाइल से, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिकॉर्डिंग सामने नहीं आई है। लेकिन पुलिस को पूरी उम्मीद है कि एक दिन ये रिकॉर्डिंग सामने आएगी और सारी घटना का खुलासा भी होगा। बहरहाल इस पूरे मामले में नामजद 21 लोगों में कई लोग अब भी फरार हैं। पुलिस उनकी धरपकड़ कर रही है, उनसे पूछताछ भी कर रही है, लेकिन हर पूछताछ के बाद ऐसी सच्चाई सामने आती है जिससे पता चलता है कि ये यूपी के अपराध का इतिहास का सबसे बीभत्स कांड है। विकास दुबे घटना की रात इतना पागल हो गया था कि उसने एक ऐसा काला इतिहास लिख दिया जो कि पुलिस के इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। तो यूपी तक की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। प्रदेश की बाकी ताजातरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहे यूपी तक। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।